कहने के रास्ते में आ गया तो कर लेंगे, बाकी जाना मदीने शरीफी है। उनकी तफैल मौला ने हज भी करा दी। बात समझ आ रही है? हमने कहाँ जाना है? थोड़ा जा ऊंची आवाज ना बोल रही यार, हो सकता है मेरी बात ये दिल पर चोट कर जाए और हम सॉरी नमाजी बन जाए। हमने कहाँ जाना है जी? अच्छा, पासपोर्ट तो बगैर ही जाना है? मदीने शी जाने वास्ते ऊंची बोलो जरा, पासपोर्ट का होना जरूरी है। अब मस्जिद को लगा है ताला, हमने मस्जिद में दाखिल होना है, बगैर चाबी के दाखिल हो जाएंगे? थोड़ा जो चाहिए होना, बगैर चाबी के दाखिल हो जाओगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जन्नत में जाना चाहता है तो मैं तुम्हें जन्नत की चाबी बतला दूं, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। हजरत जी तुसी सच्ची गाल करना, मस्जिद च बैठे जे बगैर चाबी दे ताला खोल लवोगे? तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना के पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं भाई? मैं गलत हूं, मेरी झोली में डाल दो। जब मस्जिद में बैठ कर इकरार कर रहे हो चाबी के बगैर मैं ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है मरने के बाद, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हैया अल सला, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा गप्पे लगा रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे किधर जा रहा है, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? ऊंची बोलो। अच्छा हजरत जी तुसी मैंने एदा गल दा जवाब देना, हर चाबी हर ताले नू लग जांदी है, इहदी की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दिया। असल च ताले दे विच होंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर दा ताला होएगा चाबी नू ओने दंदे पए होणगे ते चाबी घुमेगी, चाबी घुमेगी ते ताला खुलेगा ना, ऐसा ही है ना। आओ अज मैं तुहानू यह भी दस जावा, जरा जन्नत नू ताला लगा जो उहदे पंज लीवर ने। किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ रहा भी एक दंदा पा रहा भी ताला खुल जाएगा? दो नाल तीन नल कितों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? आवाज कट गई है, ये आवाज पता क्यों कटी है? हाफ जी पांच पावांगे किवें? चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, नुस्खे ते अमल करो, पंजे दंदे पूरे हो जाएंगे। और कर लोगे इस्तेमाल नुस्खा? नुस्खे की लोड़ है वे? सब दी आवाज नहीं आ रही। लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना जे, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े। हजरत जी मैं की आख्या वे, अगर ए वजूद थोड़ा जो, अगर ए वजूद ते इस वजूद नू रब दा रिजक ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कह रहा वा हजरत जी, जेड़ा वजूद रब दे अग्गे नहीं झुकदा क्या इस काबिल है वे रब दा रिजक खवाया जावे? और रोटी सामने रखी अपने मुंह च नहीं जांदी, ले जाओ मत ले जाओ, ए रोटी मंगे बोलो नहीं पहले नमाज फिर जाओ तो रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे के उत्ते अमल केड़ा केड़ा करेगा?